ओरिजिनल। इस आधार पर हम अब केवल प्लेन ही नहीं, स्पेस में कोई भी पॉइंट का एड्रेस बता सकते हैं। तो ये 3D बोलते हैं इसको, आप 12th क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे 3D के बारे में। और 3D में आप 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे तो XYZ कोऑर्डिनेट ऐसे पढ़ते हैं। अभी समझने की जरूरत नहीं है, अभी 2D से ही काम चल जाएगा। लेकिन आप लोगों ने एक महान इंसान के बारे में सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने ये कहा कि कोई भी घटना हमारे लिए तब महत्वपूर्ण है जब स्पेस, तो ठीक है XYZ से पता लगता है स्पेस, लेकिन स्पेस के साथ टाइम भी यूजफुल होना चाहिए। स्पेस और टाइम दोनों, हाँ सुनो ठीक, थैंक यू। स्पेस और टाइम दोनों ही यूजफुल होने चाहिए, ध्यान रखिए। ये कहा गया अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की ओर से। बच्चों ध्यान दीजिए, चौथा कोऑर्डिनेट टाइम है और 3 कोऑर्डिनेट जो है वो स्पेस के है, XYZ। अब आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ा, तो इससे क्या फर्क पड़ा थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। एक बात सोचिए, जहां पर आप अभी बैठे हुए हैं, जहां पर भी हो दुनिया में, आप अपनी कुर्सी मेज पे बैठे हुए थे और आपको पता लगा कि बाहर एक एक्सीडेंट हो गया, जोर से, बड़ी जोर से आवाज आई। अब क्योंकि आपके घर के पास में ही हुआ जोर से, तो आपने पढ़ाई छोड़ी, पहले भागते हुए आप पहुंचे, भाई किसी को चोट तो नहीं लगी। अब आप समझिए, आपके लिए वो घटना महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि वो आपके घर के बाहर हुई। यहां पर स्पेस आपकी पहुंच में था, ये स्पेस का मतलब XYZ कोऑर्डिनेट, और टाइम भी अभी का था, दोनों चीजें थी तो आप चले गए। अब आप ये बताइए, दुनिया में कहीं पर, मान लो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में अगर ऐसा ही एक्सीडेंट अभी न्यूयॉर्क में हो जाए और आप इंडिया में बैठे हैं, समय तो अभी का ही है क्योंकि दोनों टाइम सेम है, अभी हो रहा है तो टाइम कॉमन है, लेकिन स्पेस अलग अलग है, तो आपके लिए उस घटना का कोई महत्व नहीं है। अगर कोई बड़ी दुर्घटना नहीं है तो आप शायद ध्यान भी नहीं देंगे। आपको क्या मतलब न्यूयॉर्क में ऐसा कोई दो लोग, दो कारें भिड़ेगी आपस में, क्या करोगे उसका? तो आपने गौर किया कि अगर स्पेस आपके काम का नहीं है और टाइम काम का है, एक ही इंफॉर्मेशन है, तो भी वो यूजफुल नहीं हुआ। अब मैं दूसरा लेता हूं, जहां पर आप बैठे हुए हैं, अगर मैं वहां पर कहूं कि भाई यहां पर आज से 800 साल पहले 4 लोगों की हत्या हुई थी जहां पर आप बैठे हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 800 साल पहले क्या हुआ था उससे क्या करोगे। ऐसे तो जहां पानीपत में 3-3 लड़ाइयां हुई, पानीपत के युद्ध हुए, वहां भी पानीपत बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है हरियाणा, तो भाई 800 साल पहले अगर यहां पर कुछ लोगों की हत्या हो भी गई तो स्पेस तो देखो बच्चों यही पर का है, लेकिन टाइम क्योंकि बहुत पुराना है, बहुत हमारे लिए काम का नहीं है, तो हमारे लिए घटना किसी काम की नहीं। तुम न्यूयॉर्क वाले एक्सीडेंट पे सोचो, वहां टाइम अभी का था दोनों जगह, लेकिन स्पेस अलग अलग था। यहां स्पेस सेम है लेकिन टाइम अलग अलग है, तो दोनों घटनाएं हमारे काम की नहीं है। आइंस्टाइन का कहना था कोई भी इवेंट, कोई भी घटना हमारे लिए तब यूजफुल है जब स्पेस और टाइम दोनों हमारे हिसाब से हो। तो इसीलिए उन्होंने जब शुरुआत में, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी ही बात की थी, तो बच्चों इसको स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा गया। इसमें स्पेस भी है, XYZ से स्पेस के बारे में पता लगता है कि कहां पर यह घटना हुई, और टाइम से पता लगता है कब हुई। आइंस्टाइन ने कहा कि किसी भी घटना के बारे में मिनिमम इंफॉर्मेशन तभी यूजफुल है जब स्पेस और टाइम दोनों हमारे हिसाब से हो। अब परेशानी क्या हो गई, कि स्पेस और टाइम में एक बड़ी दिक्कत है बच्चों। स्पेस में तो ठीक है, आप मान लो कि इधर को x एक्सिस, उधर को y एक्सिस, इधर को z एक्सिस, आप अपने कमरे में सोचिएगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से, लेकिन यार टाइम किस डायरेक्शन में माना जाए, टाइम की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है बच्चों।
इस वजह से फिजिक्स में एक दिक्कत आ गई कि आइंस्टाइन की थ्योरी का कारण क्या, किसी को समझ नहीं आया। तो आइंस्टाइन ने पकड़ा जर्मन मैथमेटिशियन रीमान साहब को। रीमान जर्मनी के महान मैथमेटिशियन में एक रहे। रीमान ने उनसे कहा कि सर एक ऐसी ज्योमेट्री बनाओ जिसमें मैं स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम जस्टिफाई हो, और तब लोगों को दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ में आएगी। तो बच्चों जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो लोग समझना चाहते हैं अपनी जिंदगी में आगे कभी, वो फिजिक्स वाले बच्चे भी हो सकते हैं, मैथ्स वाले, उनको रीमानियन ज्योमेट्री समझनी पड़ती है। जब आपको रीमानियन ज्योमेट्री समझ में आएगी तभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी समझ में आएगी। तो ये तीसरी ज्योमेट्री है जिसके बारे में खाली एक कहानी सुनाई मैंने, बस अभी आपको नहीं पढ़ना है, आपको डेकार्ट साहब वाली जो ज्योमेट्री है उसी पे फोकस करना है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी तरह की तो बोलिएगा प्लीज। ये तीनों ज्योमेट्री समझ में आई आप लोगों को? हेलो, अरे भाई ज्योमेट्री तीन तरह की है, ये पाई नहीं आई? यस सर। अच्छा चलो ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ज्योमेट्री में क्या कमी रही होगी कि हमें कैलकुलस पे जाना पड़ा, तो थोड़ा सा इस पे बातचीत कर लेते हैं कि ज्योमेट्री में कोई तो कमी रही होगी कि हमें कैलकुलस पे जाना पड़ा। तो देखिए प्लीज, आप एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं मैं। ज्योमेट्री में इस तरह की कमियां रही होंगी, मैं एक सेमी सर्कल बनाता हूं और इसका रेडियस 1 यूनिट मान लो, रेडियस 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो लेना चाहो, तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो कितनी होगी बच्चों? ये सेमी सर्कल है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2πr। तो इसमें क्या होगा? πr। वेरी गुड, पाई तो ठीक है, आर कितना है? 1। तो सर्कमफ्रेंस पाई हो गई, बढ़िया। यार ये बताइए, मैंने उतनी ही लंबी लाइन दोबारा खींची, अब मैंने इतने में भी 2 सर्कल बना दिए हैं और इतने में भी 2 सर्कल बना दिए, तो अब 8 सर्कल पे ये करें। हाँ सॉरी, यहां पर आधा होगा, वहां 1/4 हो जाएगा। तो ये जो आधा होगा इसमें सर्कमफ्रेंस कितनी होगी? पाई आर, ये वाला पाई आर नीचे वाला कितना हो गया? तो अरे जवाब तो दे दो यार, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। अच्छा बच्चे जवाब देने में सर ज्यादा इंटरेस्टेड लग नहीं रहे मुझे, कई बार 1 हो जाएगा रेडियो टोटल। नहीं यहाँ पर आप ये बताइए कि पाई आर ऊपर वाले का है बाउंड्री, पाई आर नीचे वाले का, तो 2πr हो गया, तो 2πr हो गया 1/2, तो ये सॉल्व होकर पाई आ जाएगा या नहीं? यस सर। अब उतने ही लंबाई में बेटा यस सर कहने में इतना टाइम लगाती हैं आप, गजब। अब बताइए सर्कम, अब मैंने 4 बना दिए, छोटे छोटे हाफ सर्कल बना दिए 4, तो हर एक रेडियस 1/4 है,
तो पाई आर चार बार हो जाएगा, तो टोटल बाउंड्री हो जाएगी 4πr, 4π आप जवाब दें, मैं खुद ही दे देता हूं, ये हो जाएगा, तो पाई ही आ जाएगा। आप गौर कर रहे हैं कि आप हर बार सेमी सर्कल जो बना रहे हैं, सेमी सर्कल, उनका रेडियस आधा आधा करते जा रहे हैं और बाउंड्री उतनी ही आई बार बार। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसको, एक मिनट है, कई बच्चे अब जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों शायद आप तक मैं इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाया, आप लोगों से अनुरोध है कि नीचे अभी उसमें कमलेश जी एक लिंक दे देंगे, आप लोग उस ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि मैं एक साथ इंफॉर्मेशन दे सकूं सभी को टाइमिंग के बारे में, थोड़ा आगे पीछे भी कर देंगे तो सबको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा बच्चा कहां से जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको सूचना ही नहीं भेज पाता हूं। अभी भी आ रहा है कि समवन वांट्स टू ज्वाइन, अब भाई ये कौन है, कैसे ज्वाइन करना चाह रहा है, इसमें तो कोई दिख ही नहीं रहा है ज्वाइन करना चाह रहा है, सभी जुड़ चुके हैं। चलिए बच्चों ये बताइए कि अगर मैं ऐसा इनफाइनाइटली करते जाऊं, इनफाइनाइटली इस शब्द का प्रयोग पहली बार कर रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि मैं कैसा बनेगा, जितना छोटा बनाते जाओगे ऐसा बनता जाएगा, और ये भी इनफाइनाइटली नहीं है, अगर इनफाइनाइट का मतलब इतनी लेंथ इतनी है हर बार, शुरुआत में लेंथ देखिए टोटल जो है लाइन की लंबाई 2 यूनिट है, 2 सेंटीमीटर या जो भी माने आप, अगर मैं उतनी लाइन खींचूं तो बढ़ाते बढ़ाते अगर आप सर्कल बढ़ाते रहेंगे तो सर्कमफ्रेंस तो हर बार पाई आता रहेगा, लेकिन वो इतना छोटा होगा कि आंखों से दिखेगा नहीं, आपको स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, और इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ तो 2 है और वैसे सर्कमफ्रेंस के हिसाब से पाई है, तो फाइनली आपको समझ में आया कि जो पाई है वो कहां पर जाने लग जाएगा, पाई की वैल्यू, पाई सर्कमफ्रेंस है और सर्कमफ्रेंस ऐसा बनते जाएगी जैसे ये बनाया है, ऐसे सोचिए इनफाइनाइट बात, लेकिन विजुअली देखने में दिक्कत हो जाएगी, तो आपको दिखेगी लाइन सीधी दिखेगी, और वैसे फॉर्मूले से पाई आनी चाहिए लेंथ, और वैसे हमने उसको 2 यूनिट बनाया था, तो यहां यह समझ में आ गया कि अच्छा जो पाई है वो लगभग 2 यूनिट के बराबर आने लग जाएगा, ये एक बड़ा फॉल्ट है अगर आप समझ पा रहे हैं। इससे बचने के लिए हम लोग एनालिसिस पे जाते हैं, फिर हम एडवांस कैलकुलस पे जाने लगते हैं, हम ज्योमेट्री पे भरोसे अब ज्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि अभी मैंने 2 यूनिट की लंबाई की खींची है लाइन, तो पाई 2 की ओर आ गया, 4 यूनिट की खींचता तो पाई 4 पे चले जाता, क्या ये बात समझ में आई कि ज्योमेट्रिकली दिक्कत है। आप ऐसे समझिएगा, आप लोग अभी 11th में पढ़ेंगे कि जब वेव के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, तो वेव ऐसी होती है पढ़ेंगे आप लोग, और फिर पढ़ेंगे लाइट इज अ वेव, लेकिन लाइट रेज हमेशा आप ऐसे बनाएंगे, लाइट सीधी लाइन बनाएंगे लाइट रेज, जब आपने कहा कि वेव ऐसी होती है तो फिर लाइट रेज को सीधा क्यों बनाते हैं, कोई बच्चा जवाब दे सकते हैं इसका, नहीं ये चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए ये सवाल समझ में आया कहीं, वेव वाला पता नहीं 9th-10th में है नहीं है, मुझे नहीं पता, आप लोगों ने ऐसा वेव का पढ़ा है कंसेप्ट 9th-10th में कभी, अरे नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है तो कह सकते हैं यार, आप तो नहीं भी नहीं कहते हाँ भी नहीं कहते, मैं क्या समझू बेटा,
चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो ये ऑडिटे उस पर आएगा। अच्छा आप लोग ये बताइए, इसके बाद आप लोगों ने रियल लाइन के बारे में पढ़ा है क्या, नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है? यस सर। ये जो नंबर लाइन होती है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बचपन से हम पढ़ते आते हैं, इसमें कई तरह के नंबर आपने पढ़े होंगे। सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं। नेचुरल नंबर पढ़े हैं आपने? नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं? वन टू इनफाइनाइट। वन टू इनफाइनाइट, वन से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी बोले हैं नंबर। अगर मैं 1.5, 1.6 बोलूं तो ये भी नेचुरल नंबर हुए? नो सर। आप ही ने तो बोला बेटा वन से लेकर इनफाइनाइट तक। कंप्लीट वन से लेकर इनफाइनाइट तक कंप्लीट नंबर। कोई और स्टूडेंट बोले, उनके यहाँ शायद नेटवर्क सही नहीं है तो साफ नहीं आ रही आवाज। इसको ऐसे लिखिएगा, ऐसे बना के 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बस इसका मतलब वन से लेकर इन्फिनिटी तक ऐसे नहीं बोलते, 1, 2, 3 तीन नंबर दे दीजिए, बाकी तीन डॉट लगा दीजिए आगे। इसका मतलब इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, आप पैटर्न पकड़िए। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, जैसे हम बोल देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, तो ये वही है। ये नेचुरल है क्योंकि दुनिया में मनुष्य ने सबसे पहले यही सीखा। तो बच्चों सबसे छोटा नेचुरल नंबर बता सकते हैं आप लोग? 1। और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर? 2। नेचुरल नंबर के सेट को बच्चों ऐसे दिखाया जाता है, एन डबल लाइन के साथ, शुरुआत में डबल लाइन। अगर आप कोई स्टैंडर्ड किताब पढ़ेंगे तो एन ऐसा दिखेगा, अगर आप सामान्य किताबें पढ़ेंगे तो एन खाली सिंपल एन जैसा ही दिखेगा। अगला जो है वो इंटीजर्स, इंटीजर्स के सेट को ऐसे दिखाते हैं बच्चों, जेड डबल लाइन, बीच में डबल लाइन। जेड से इंटीजर्स को इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इस पे सबसे पहले जो काम किया है वो जर्मन लोगों ने किया है, और जर्मन लैंग्वेज में इंटीजर्स को जालेन बोलते हैं। हम इंडियंस तो कॉपी पेस्ट वाले लोग हुए, जर्मनी वालों ने जालेन लिखा तो उसको जेड से दिखाया, हमने कॉपी कर लिया और हमने कहा हम भी इंटीजर भले ही लिखे लेकिन जेड से दिखाएंगे, तो हम जेड से दिखाते हैं। तो इंटीजर क्या क्या होते हैं बच्चों, आप लोग बता सकते हैं? जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तीन डॉट फिर माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री और फिर तीन डॉट। इसका मतलब है जीरो के बाद एक तरफ 1, 2, 3, एक तरफ माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड सो ऑन। ऐसे चलते रहो जहां तक जा सकते हो। तो नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर तो नेचुरल नंबर ही हुए और जीरो। तो इंटीजर के सेट को जेड से दिखाते हैं। आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि मैं डबल लाइन क्यों खींच रहा हूं। यहां पर मैथ्स और फिजिक्स का अंतर समझिएगा। फिजिक्स में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिंबल मिलते हैं। कहीं पर अगर आपको R मिल रहा है फिजिक्स में, तो जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएगा वो R को रेजिस्टेंस कह रहा होगा। जो आपको गैसेस के बारे में पढ़ाएगा वो गैस कॉन्स्टेंट कहेगा R को, ठीक है। आप R अलग अलग जगहों पर R के लिए अलग अलग सिंबल हो जाएगा। एक्शन रिएक्शन में भी आएगा, न्यूटन्स लॉ में R एक्शन, उसका रिएक्शन। लेकिन बच्चों हम लोगों ने मैथ्स में तय कर लिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैंने
एन के आगे एक डबल लाइन के साथ एन लिख दिया, तो अब ये पूछने की जरूरत ही नहीं है, अब ये क्लियर है कि ये नेचुरल नंबर का ही सेट होगा, श्योर है। अगर हमने जेड लिखा है तो ये इंटीजर का ही सेट होगा। अब मैं इसके बाद लिख रहा हूं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स का सेट कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे देखिएगा, ये क्यू। तो रेशनल नंबर किस तरह से होते हैं, पी अपॉन क्यू, ये जो ये दो पॉइंट ले आए इसको बोलते हैं सस्ते, P upon Q such that P is integer, Q is natural number and GCD of PQ is 1. ये सब क्वालिटी होनी चाहिए रेशनल नंबर में। ध्यान से समझिए, P क्या होना चाहिए, लिखा हुआ है P क्या होना चाहिए बच्चों, इंटीजर, इंटीजर, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, जीरो भी। और क्यू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो एक बात बताओ यार, एक ने लिखा है माइनस टू अपॉन थ्री, तो ये माइनस टू अपॉन थ्री सही है या टू अपॉन माइनस थ्री लिखना ज्यादा सही है, आपके हिसाब से क्या सही रहेगा, माइनस टू अपॉन थ्री। हाँ, आप इस पर गौर कीजिए जो आप लोगों ने ये बोला है, P इंटीजर है और Q नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर नेगेटिव होता है, तो डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर है बच्चों। अब एक चीज इसमें और बताई मैंने, जीसीडी, ये जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर डिवाइडेड बाय, हाँ, तो आप ध्यान दीजिएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो P और Q में कॉमन है। जैसे अगर मैं 10 अपॉन 20 लिखता हूं तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे वो क्या है, 10 है, 10 10 को भी डिवाइड करेगा एक बार, 20 को दो बार, अब ठीक हो गया। तो इन दोनों का इसका मतलब जो जीसीडी लिखना था 10 और 20 का वो 10 हो गया, सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करे, फैक्टर नहीं है, फैक्टर तो 5 भी हो सकता था, लेकिन हमने कहा सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर पे ध्यान दीजिए पहले, जो दोनों को डिवाइड करे और सबसे बड़ा हो ऐसा, उससे बड़ा फिर कोई ना हो, तो बच्चों ऐसा जीसीडी पी और क्यू का 1 आना चाहिए, तब आप उसे रेशनल नंबर कहेंगे, नहीं तो नहीं कह सकते। तो रेशनल नंबर जब भी आप लिखते हैं ध्यान दीजिए पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में लिखते हैं, जहां पी इंटीजर होता है, क्यू नेचुरल नंबर होता है, और पी और क्यू में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, मतलब 1 ही सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है बस। अगर ये समझ में आ गया है आपको, तो अब हम लोग बात कर सकते हैं इरेशनल नंबर। आप लोग इरेशनल नंबर समझते हैं, कोई भी स्टूडेंट जवाब देना चाहेंगे इरेशनल क्या होते हैं, कोई भी स्टूडेंट जवाब दीजिए, अच्छा लगेगा बेटा। जिन्हें हम P upon Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन थोड़ा सा ना क्लियर नहीं हुआ, सही तो है ये, ऐसा हुआ जैसे मैं स्कूल में आप लोगों से पूछूं क्लास में कि यार आपके घर में कौन कौन है, और आप कहें कि सर बस मैं यहाँ हूँ, बाकी सब घर ही में है, और हो सकता है ये बात सही हो कि आप क्लास में हैं बाकी सब लोग घर पे ही हैं, लेकिन क्या मेरी समझ में आया इस बात से कि आपके घर में कौन कौन है,
क्या मुझे समझ में आ गया इतने जवाब से कि आपके घर में कौन कौन है? बस एक खामोशी आ जाती है, कोई जवाब देने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जिसका फ्रैक्शन नहीं हो सकता। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल कुछ और था। उसमें फर्स्ट ऊपर वाला और नीचे वाला जो होता है वो इंटीजर होता है, मतलब जैसे कि मेरा सवाल कुछ और था यार। तो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, एक प्लीज माइक बंद कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैंने आपसे क्लास में सवाल पूछा, आपके घर में कौन कौन है? आपने कहा कि सर बस मैं यहाँ क्लास में हूँ, बाकी सब घर पे ही। और हो सकता है आप टेक्निकली बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्या इससे ये समझ में आया कि घर में कौन कौन है? मुझे पता लगा नो सर। नहीं, तो जिनको हम पी अपॉन क्यूटी फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इरेशनल के बारे में पता तो चला ही नहीं। तो मैं थोड़ा तरीका सिखाता हूं आपको, इरेशनल डिफाइन करने के कई तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका ध्यान से देखिए, परफेक्ट स्क्वायर समझते हैं आप लोग? पहले ये बताइए। यस सर। क्या होते हैं? 1, 4, 9, 16, 25। पैटर्न पकड़िए, अब मैंने लिख रहा हूं भाई, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। आप इनके स्क्वायर रूट लीजिए, 1 का रूट 1 आ जाएगा, √4 2 आ जाएगा, √9 3 आ जाएगा, √16 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर। इनके अलावा जो बाकी बचे आप, अब नंबर लाइन में इन नंबर के अलावा सोचो बच्चों, 1 है, 1 के बाद 4, तो बाकी क्या बचे? 2, 3। अगर उनके स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ किनका? नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, तो वो हमेशा क्या मिलेगा? अरे भाई क्या होगा हमेशा? इरेशनल। तो बच्चों 1 के बाद अगला पर क्या आया? 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट। 4 ऊपर टेबल में आ रहा है तो उसे छोड़ दो। अगला नंबर क्या आया? √5, √6, √7, √8, फिर √9, तो 3 हो जाएगा, छोड़ो। फिर √10 से लेकर √15 तक, फिर √17 से, एंड सो ऑन। तो जो ऊपर परफेक्ट स्क्वायर है उनके अलावा जो बाकी तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो उनका स्क्वायर रूट जब भी लेंगे ये गारंटी है इरेशनल मिलेगा। तो आप आगे बता सकते हैं कोई कहां तक होगा √17 से लेकर? √24, √24, √25 तो 5 हो जाएगा, √26 से √35, एंड सो ऑन। तो बच्चों ऐसे कितने इरेशनल नंबर होंगे? इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। बढ़िया, तो ऐसे जो इरेशनल नंबर है इनफाइनाइट, ये इरेशनल है सब। ये 8 तो ये से हो गया, इसमें से जो शुरू के 8 तो है वो लोग आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़े भी होंगे कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। ये 8 कैटेगरी है बच्चों। अभी दूसरा शुरू करते हैं, दूसरा इरेशनल नंबर हम पढ़ेंगे। परफेक्ट क्यूब के बारे में सोचो तो अब परफेक्ट क्यूब क्या होंगे? 1 का क्यूब 1 हुआ, 2 का क्यूब 8, 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, एंड सो। अब ऐसे ही लिख लेते हैं,
ऊपर वाले को ध्यान में रखते हुए, क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब्स इज इरेशनल। तो ये परफेक्ट क्यूब थे। अब वन के अलावा फिर एट आ गया बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिए, तो बाकी का टू की पावर, क्यूब का मतलब वन बाई थ्री पावर ना, टू की पावर वन बाई थ्री, थ्री की पावर वन बाई थ्री, फोर की पावर वन बाई थ्री, फाइव की पावर वन बाई थ्री, सिक्स की पावर वन बाई थ्री, सेवन की पावर वन बाई थ्री, एट की पावर वन बाई थ्री नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? एट की पावर वन बाई थ्री क्या हो जाएगा? टू की पावर थ्री की पावर वन बाई थ्री, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, टू आ जाएगा। तो टू परफेक्ट क्यूब है, वैसे भी पता ही था, ऊपर लिखा है। तो सेवन की पावर वन बाई थ्री के बाद क्या लिखना चाहिए? नाइन की पावर वन बाई थ्री, नाइन की पावर वन बाई थ्री एंड सो ऑन। ऐसे ये सब इरेशनल होंगे। ये पूरी इनफाइनाइट सीरीज दूसरी वाली बन गई इरेशनल की। अब बच्चों जैसे परफेक्ट क्यूब बनाए हमने, ऐसी परफेक्ट फोर पावर भी बना सकते हैं। यस सर। फाइव पावर। अब आप समझो इरेशनल डिफाइन करना कितना बड़ा काम है। आप करते रह जाओगे, थक जाओगे। इरेशनल बहुत सारे तरीके से डिफाइन होते हैं। अब मैं दो बड़े वीआईपी किस्म के इरेशनल के बारे में बात बताता हूं आपको। ये दो बड़े वीआईपी जो है वो है पाई और ई। आज की क्लास में लास्ट इन्हीं पे बात होगी। अब पहले पाई के बारे में कोई और स्टूडेंट बोलिए कि पाई क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज पाई, तो आप क्या जवाब देंगे? सर पाई एक कांस्टेंट है, जो जो डायमीटर होता है सर्कल का, उसका सर्कल फ्रेंड्स होता है, उसके बीच पे जो एसी होता है। हैं पाई क्या होता है? मैं नहीं सुन पाया ढंग से। रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड इट्स डायमीटर। वेरी गुड। हाँ बस ठीक है, ठीक है। किसी भी सर्कल की बच्चों ध्यान दीजिएगा, कोई भी दुनिया में सर्कल बनाइए, अगर उसका रेडियस आर है तो उसका सर्कमफेरेंस टू पाई आर है, तो उसको पाई टाइम्स टू आर कह सकते हैं और टू आर को डायमीटर बोल सकते हैं। तो यहां से पाई हो जाएगा सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। कितनी जबरदस्त खोज है कि दुनिया में कितना ही छोटा सर्कल बना लो या कितना ही बड़ा सर्कल बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जो बाउंड्री है, मतलब जो उसकी सर्कमफेरेंस है और जो उसका डायमीटर है, उनका रेशियो हमेशा फिक्स आएगा, एक फिक्स नंबर होगा, एंड दैट कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड पाई। तो बच्चों पाई इरेशनल नंबर होता है। तो कभी भी अब आप लोग इलेवेंथ में आ गए हैं, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, मत बोलिएगा। 22/7 रेशनल हुआ कि इरेशनल, ये बताओ पहले। रेशनल 22/7 क्या होगा, रेशनल या इरेशनल? रेशनल। रेशनल होगा पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में, तो रेशनल होगा। और पाई क्या है? अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इरेशनल। इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल बराबर हो सकते हैं क्या? नो सर। तो कभी भी, अब आप लोग टेंथ पास हो चुके हैं, कोई भी बच्चा कभी पाई की वैल्यू 22/7 नहीं बोलेगा। ये छोटी क्लास में ठीक था, पाई की वैल्यू ऐसे नहीं बताई जाती। पाई 22/7 के आसपास है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो मेरे ख्याल से ठीक है, पाई इतना काफी है। तीसरा पॉइंट, इरेशनल की एक डेफिनेशन ये है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स।
नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर इरेशनल. पहले समझते हैं बेटा रिपीटिंग क्या होता है और टर्मिनेटिंग क्या होता है, एक चेक करते हैं. जैसे 1/2 को अगर डेसिमल में लिखें तो 0.5 लिख सकते हैं. यस सर, आया ना? आप लोग इतना टाइम तो खाना में ही खा जाते हैं मेरा. अरे ये सही है गलत है ये तो बोल दो यार. सही है, सही है. ये टर्मिनेट हो गया 0.5 बस हो गया. 1/4 हो रहा तो ये 0.25 यहां पर टर्मिनेट हो गया. 1/8 आएगा तो ये 3 के बाद टर्मिनेट हो गया. तो ये टर्मिनेटिंग हुए. टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट समझ में आया? पहले समझाओ जो 8 दौर के बाद खत्म हो जाए वो टर्मिनेट. बच्चों टर्मिनल का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट. जैसे हमारे यहाँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन इज द टर्मिनल रेलवे स्टेशन, क्योंकि भाई काठगोदाम से आगे ट्रेन जाती नहीं है, वो लास्ट स्टेशन है, तो वो टर्मिनल रेलवे स्टेशन है. अच्छा हल्द्वानी कैसा रेलवे स्टेशन हुआ टर्मिनल, या रुद्रपुर या दिल्ली, ये टर्मिनल हुए या नहीं हुए? ना कहा मुझे यही समझ नहीं आया. बताओ तो सही. तो सर आपकी वॉइस का कुछ इशूज है, टाइप कर दो हम बता देंगे सर. हेलो, अच्छा कोई बात नहीं, समझिएगा. हल्द्वानी जंक्शन हुआ बच्चों. जंक्शन का मतलब होता है जो दो को जोड़ता है. आप लोग जब 12th क्लास में सेमी कंडक्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे तो पीएन जंक्शन पढ़ेंगे. अभी पॉजिटिव टाइप और नेगेटिव टाइप के बारे में पढ़ेंगे. पीएन का मतलब ये होता है. तो वहां पर एक शब्द आएगा जंक्शन. तो बच्चों जंक्शन का मतलब वो रेलवे स्टेशन जो दो को जोड़ता है, उसके एक इधर होगा एक इधर होगा, ये हुआ जंक्शन. तो हल्द्वानी रेलवे जंक्शन है, लालकुआ भी जंक्शन है, दिल्ली ये सब जंक्शन है, लेकिन काठगोदाम टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, वो जंक्शन नहीं है. तो टर्मिनेट होना मतलब एंड हो जाना, बिल्कुल. टर्मिनल मतलब लास्ट. तो जो 1/2 टर्मिनेट हो गया था. अच्छा बच्चों ये बताइए क्या 1/3 टर्मिनेट होगा? अगर आप इसको डिवाइड करते जाए तो ऐसा आएगा या नहीं? यस सर. तो ये टर्मिनेट नहीं हुआ, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग. क्या मैं समझा पाया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या क्या होते हैं? यस सर. चलो यस सर. अब बच्चों रिपीटिंग समझते हैं. जैसे ना 1.412 412 412 एंड सो ऑन. मान लो मैंने ऐसा लिखा, इसका मतलब है 412 आते रहेगा ऐसे बारी बारी आगे को. बच्चों यहां पर गौर कीजिए, 4-8 स्पेशल ऑर्डर में 4-1-2 हर बार आ रहा है, तो इसको कहेंगे रिपीटिंग नंबर. कैसा नंबर है ये? रिपीटिंग. अब अगर मैं ऐसा लिखूं 1.412 4412 4412 एंड सो, या ऐसा 1.21 221 2221 2221 एंड सो. तो नीचे के ये दोनों नंबर जो मैंने लिखे हैं ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है? नॉन रिपीटिंग. ये वेरी गुड, ये नॉन रिपीटिंग है. रिपीटिंग का मतलब है एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट होना चाहिए. फोर था फिर वन था फिर टू था पहले वाले में, फिर 4-1-2 फिर 4-1-2 ये सही है. लेकिन जो दूसरा मैंने लिखा उसमें 4-1-2 फिर 4-4 के बाद 1-2 फिर 4-4 के बाद 1-2 ये तो रिपीटिंग नहीं कहा जा सकता. तो बच्चों ध्यान रखना रिपीटिंग का मतलब एक डेफिनेट टाइम के बाद रिपीट होने वाला. और जो मैंने लास्ट लिखा वो भी रिपीटिंग है या नहीं है?
1.21, 2.21, 2.22, 1 एंड सो ऑन? नहीं, क्या हुआ ये? नॉन रिपीटेड हुआ, बढ़िया। अब बच्चों इस बात को समझिएगा कि इरेशनल उससे कहते हैं जिसमें दोनों बुराइयां हों, वो नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। अगर एक ही बुराई हुई तो वो इरेशनल नहीं होगा, फिर वो रेशनल हो जाएगा। मतलब अब एक बात बताओ यार, 1.23, 223, 2223, ये नंबर कैसा है, रिपीटिंग है या नहीं? नहीं, ये नॉन रिपीटिंग है। अच्छा अच्छा यार ये बताइए, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग। वेरी गुड, ये टर्मिनेट हो गया बेटा। अगर मैं लास्ट में तीन डॉट बना देता ना ऐसे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता। अभी क्योंकि लास्ट में थ्री है फिर कुछ नहीं है, तो ये टर्मिनेट हो गया। तो फिर ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल या इरेशनल? रेशनल। ये रेशनल हो। अगर ऐसा हो 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन, अब कैसा है, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग? रिपीटिंग। वेरी गुड, ये रिपीटिंग है। ये टर्मिनेट हुआ या नहीं हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये क्या होगा? रेशनल। आप लोग इसको भी रेशनल कहेंगे, इरेशनल कब कहेंगे बेटा, ध्यान से समझिए। जब नॉन रिपीटिंग भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, दोनों बुराइयां होनी चाहिए, कहा मैंने। वन पॉइंट वन थ्री एंड सो ऑन। अब बताइए रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग? नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, वेरी गुड। तो भाई ये दोनों बुराइयां जिस समय होंगी, केवल उसी समय क्या होगा, इरेशनल एक ही बार होगा जिस समय दोनों कमियां होंगी। अब मैं सबसे आसान सवाल पूछता हूं, 1.13, 1.13 नहीं ऐसा नहीं लेता, 1.13, 1.13, 1.13 बस इतना ही लेता हूं। ये रिपीटिंग है या नहीं है? ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? टर्मिनेटिंग। इसे क्या बोलेंगे? तो चार पॉसिबिलिटी में से तो कभी मारो 75% प्रोबेबिलिटी या चांस रेशनल होने की है, इरेशनल तो 80 टाइम है, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। तो बच्चों मैंने इरेशनल को कई तरह से डिफाइन करने की कोशिश की, और मजेदार स्थिति है अभी भी इरेशनल पूरे डिफाइन नहीं हुए। अभी एक वीआईपी बचा हुआ है, मैं आज नहीं उसे कल कराने के मूड में हूं, ई ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ये बड़ा मजेदार है एक्सपोनेंशियल, ये बड़ा ग्राफ भी जबरदस्त है इसका, ऐसे चलता है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा बाद में। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उन कंपनियों की या उन बच्चों की ग्रोथ को कहते हैं जो बचपन से बहुत टैलेंटेड तो नहीं माने गए, घर वालों की नजर में बड़े एवरेज जैसे रहे बहुत सालों तक, तो उनका ग्राफ बड़ा हॉरिजॉन्टल रहा, और अचानक एक दिन उनको बड़ा झटका जैसा लगा कुछ, उन्होंने कहा अब मैं पढ़ाई करके दिखाता हूं, और उनकी ग्रोथ बड़ी जबरदस्त हो रही है। तो जिसकी ग्रोथ शुरू से ही ठीक हो वो अलग बात है, लेकिन जिसकी ग्रोथ जिंदगी में बहुत समय तक सामान्य रही हो और उसके बाद बड़ी तेजी से ग्रो हो किसी भी फील्ड में, चाहे समझदारी के फील्ड में हो, उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल। तो इस एक्सपोनेंशियल की कहानी ऑयलर ने की थी। ये ऑयलर कैसे लिखेंगे यार नाम, मैं बता दूं,
तो साहब ऐसा है, प्रलम इनके बारे में भी बताएंगे, अगर मैं नहीं बता पाया तो याद दिला देना। इसको पढ़ते समय ऐसे पढ़ेंगे जैसे ऑयल पढ़ते हैं, ऑयलर, ये वाला जो प्रोनाउंसिएशन है ऑयल वाला, ऑयलर, ये फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स माने जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स अगर किसे माना जाता है तो लियोनार्ड ऑयलर। पूरी जिंदगी में 1500 से 1500 1500 से ज्यादा रिसर्च पेपर मैथमेटिक्स में इस आदमी के नाम पर, कम से कम मैथ्स की हम 15 ब्रांचेस तो इसकी वजह से पढ़ते हैं, कम से कम 15 ब्रांचेज। हर ब्रांच में सैकड़ों हजारों लोगों ने पीएचडी की हुई, और इस आदमी ने इतनी जिंदगी में इतना काम किया कि इनका पूरा जो काम है, आपने अगर ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया पढ़ा, सुना या देखा हो या पढ़ा हो, तो उसके 100 वॉल्यूम्स निकले हैं इनके काम के। ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया का 1-1 वॉल्यूम भारी भरकम होता है, काफी बड़ा, पुराने रामायण टाइप की बड़ी किताब, 100 वॉल्यूम। एक इंसान अपनी जिंदगी में कितना काम कर सकता है, अगर आपको देखना हो तो लियोनार्ड ऑयलर से इंस्पायर होके सीखिए। और ये तब है बच्चों जब आधे काम के बाद इनकी दोनों आंखें ऑपरेशन के बाद खराब हो गई थी, आंखों में मोतियाबिंद था, सामान्य सी बीमारी थी, डॉक्टर से नहीं हो पाया इलाज और दोनों आंखें बर्बाद हो गई इनकी। उसके बाद का काम भी अद्भुत है। इन्होंने अपने कुछ छात्र तब तक इतने शानदार तैयार कर लिए थे कि उनके सहारे आगे बढ़े। हमारी जो अब मैथ्स आगे को है ना, उसकी पूरी फाउंडेशन पिलर अगर कुछ माने जाएंगे लोग, तो उसमें ऑयलर साहब भी वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पिलर हैं। अभी तो आपको कैंटर के बारे में समझाना है, शुरुआत में जॉर्ज कैंटर से शुरू करेंगे हम। कैंटर की सेट थ्योरी पढ़ते हैं, सेट, रिलेशन, फंक्शन, आपको बड़ा मजा आएगा फिर चीजें समझने में। शुरू में पेशेंस थोड़ा सा रखिएगा। मेरे ख्याल से आज इतना ही होना काफी है आपके लिए। जो आज हमने बातचीत की है, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। किसी को कुछ नहीं पूछना है, चलिए अब नहीं पूछना है, क्या करें। तो आप लोग कल 5 बजे जुड़ेंगे और हम ऑयलर के बारे में और एक्सपोनेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। मैं अगर कुछ कहना भूल जाऊं कहीं पर तो आप बताइएगा, याद दिलाइएगा, ठीक है। चलिए सर, तुषार ने एक लिंक साझा किया है इस इनबॉक्स पे, सॉरी मैसेज बॉक्स पे, तो सभी लोग जो इसमें इंटरेस्टेड है प्लीज इसको ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सीज वाली सर से जुड़ना आसान होगा। हाँ, उस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, मैं भी जुड़ूंगा। मैथ्स सर, तुषार ने ग्रुप बनाया मैथ्स विद सीज वाली सर करके, तो ये ग्रुप है, ठीक हो गया। तो इसमें सभी लोग जुड़िएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग इसमें आगे भी काम करते रहेंगे बच्चों, और हो सकता है आप खूब इंजॉय करेंगे सब्जेक्ट को। अगर मैथ्स में आप अच्छा करेंगे ना, तो 11th में आपको फिजिक्स में बड़ा आराम मिलेगा, वरना फिजिक्स आपको बहुत परेशान करेगी। 11th में जो असली खलनायक है वो फिजिक्स लगेगी आपको। आप 12th वालों से पूछ के देखिएगा मैं कितना सच या झूठ बोल रहा हूँ। और उनकी परेशानी फिजिक्स नहीं थी, एक्चुअल में उनकी मैथ्स की फाउंडेशन खराब थी, क्योंकि वही लोग जो 11th में फिजिक्स को टफ कहते हैं, वो लोग 12th में फिजिक्स को आसान कहते हैं। तो मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा, इसलिए वो फंडामेंटल चीजें शुरू में ही करा दूंगा आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू। निकिता जी सॉरी, जरा सा आज कंफ्यूजन रहा और इस कारण से हम कम्युनिकेट भी नहीं कर पाए, इसलिए आप इस ग्रुप में जाएंगे तो हमें करना आसान होगा, क्योंकि सर के लिए भी